हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग यूनिवर्स के अगले टॉपिक में आ रहे हैं। अगला टॉपिक यह है कि कुछ कुछ जो जितने भी यूनिवर्स के आज फॉर्मूला हैं, फॉर्मूला रिलेटेड जितने भी सारे चीज़ हैं, आज सारे फॉर्मूला को देख लिया जाएगा। और एक छोटा सा टॉपिक है कि यूनिवर्स में हमारा डोमेन कैसे निकालेंगे। डोमेन रेंज नहीं, रेंज हमारा वही है, फिक्स है। साइन यूनिवर्स का रेंज -π/2 से π/2, कॉस यूनिवर्स का रेंज 0 to π। रेंज में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आपको देखना क्या है, डोमेन। डोमेन तो पिछला जो वीडियो था वो समझिए, तो आपका हिस्ट्री आप सिर्फ और सिर्फ उसके बेसिक प्रॉपर्टी को जान रहे थे कि इनवर्स काम कैसे करता है, और आपको सोचना था उस चीज में कि इस चीज का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्यों होता है, और यह जानना था कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। लेकिन आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है फाइंड द डोमेन, फाइंड डोमेन। अब हमारा क्वेश्चन है fx = sin inverse 2x - 4, इसका डोमेन चाहिए। अगर इस क्वेश्चन का जब डोमेन पूछ रहा है तो एक क्वेश्चन और ले लीजिए कि इसका रेंज क्या होगा। आपके दिमाग में बस ये बैठना चाहिए कि यहाँ क्या है, साइन इनवर्स, अंदर क्या है उसे कोई लेना देना नहीं है। रेंज पूछेगा, साइन इनवर्स है, रेंज इसका यही होगा, चाहे जो हो जाए, रेंज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसका असर डोमेन पर पड़ेगा। तो जो हमारा डोमेन है वो कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे चूंकि साइन इनवर्स का जो एक्स का रेंज डोमेन जो होता है, डोमेन में कौन आएगा, एक्स आएगा, नजदीक वाला आएगा, तो एक्स की वैल्यू होती है -1 से लेकर 1 तक। लेकिन अब क्वेश्चन है देयरफॉर फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x - 4। तो ये बोलता है कि यहां एक्स था तो -1 से लेकर 1 तक था, यहां बाई रहेगा तो -1 से लेकर 1 बाई रहेगा, यहां अगर कुछ भी रहे -1 इतना और 1 से छोटा, यानी -1 से बड़ा और 1 से छोटा, देयरफॉर इसको लिख सकते हैं -1 से बड़ा होगा 2x - 4 और 1 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, अब इस चीज को देखिएगा बीच में, ठीक है। तो अब यहां पर क्वेश्चन क्या है कि डोमेन कहने का मतलब होता है आपको वैल्यू ऑफ x चाहिए, वैल्यू ऑफ x चाहिए। साइन इनवर्स का जो डोमेन है वो आपका यही रहेगा -1 to 1, लेकिन जो डोमेन चाहिए वो x की वैल्यू चाहिए। तो जब x की वैल्यू पता कीजिएगा तो इधर -4 है तो दोनों ये -4 को खत्म करना होगा, तो -4 खत्म कीजिएगा तो -1 + 4 कीजिएगा यहाँ भी, और 2x - 4 है तो यहाँ भी +4 कीजिएगा और 1 + क्या कर दीजिएगा 4, ये हो जाएगा 3, 2x खत्म हो जाएगा ये, और यहाँ बचेगा 5। अब देखिएगा, अब मेरे को अकेला x चाहिए, दो नहीं, या आपको इंक्लूडिंग एक चैप्टर है क्लास 11 का, उसमें इस चीज को आप बारीकी से पढ़िएगा। जब दो से डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 3/2 x और 5/2, अर्थात इसका जो डोमेन आया वो 3/2 से बड़ा और 5/2 से क्या है, छोटा है। ये छोटा सा चीज है आपको बता दिया गया, इस पर अगर अच्छा अच्छा क्वेश्चन रहेगा तो उसका भी डिस्कशन करेंगे आगे। लेकिन अब हमारा जो है फॉर्मूला रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है उल्टा और सीधा, टॉपिक का नाम है उल्टा और सीधा, कॉम्बिनेशन ऑफ उल्टा एंड सीधा। ये जो बंकर ठीक है, चलो नहीं भाई, चलिए इस क्वेश्चन को पूरा हो गया, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है अब है उल्टा सीधा, हमारा नाम है टॉपिक का, तो आप अलग अलग नाम दे सकते हैं। उल्टा सीधा जो टॉपिक है उसके बारे में देखिए, उल्टा सीधा टॉपिक क्या है, उल्टा सीधा टॉपिक है, उल्टा और सीधा ये बस आपको समझने के लिए है, ऐसा इस टॉपिक का नाम नहीं है। कहता है कि साइन इनवर्स और यहां हो जाए साइन थीटा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। इसी तरह से अगला है कॉस इनवर्स, कॉस थीटा रहेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स टैन थीटा रहे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। मतलब जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो अपने साथ और भी बहुत सारा बेसिक चीज इसमें बताया जाएगा कि इसके साथ क्या क्या होने वाला है। साइन कॉस टैन कॉट सेक इनवर्स सेक थीटा और कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा। अब मैं बात कर रहा हूँ वो सुनिए, ये हमारा आंसर क्या देगा, बस जैसे ही दिखा यहां पे इनवर्स
इनवर्स, यहां पे देखा क्या इनवर्स, तो जितना भी इनवर्स है यहां पे, तो आपको करना क्या है कि हमारा जो भी आंसर देगा वो रेडियन में देगा, कैसे में देगा, रेडियन में देगा, तो कंफर्म है रेडियन में देगा। और हम जानते हैं जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिकल है अपने साथ क्या चीज रखता है, डिग्री या रेडियन, डिग्री या रेडियन, बेसिक चीज जानिए, ऐसे तो कट जाएगा उल्टा सीधा कट गया खत्म खत्म, थीटा आ जाएगा आंसर, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो समझिए, साइन थीटा ट्रिगोनोमेट्रिकल जितना भी है वो अपने साथ डिग्री या क्या रखेगा, रेडियन रखेगा, ठीक। और यह इनवर्स है, इनवर्स जो आंसर देगा वो भी क्या देगा, डिग्री या रेडियन। तो भाई डिग्री रेडियन ये रख रहा है, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल है, ये भी ट्रिगोनोमेट्रिकल है, ये भी ट्रिगोनोमेट्रिकल है, और ये भी ट्रिगोनोमेट्रिकल है, ये भी ट्रिगोनोमेट्रिकल है, और ये भी क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिकल है, अर्थात त्रिकोणमितीय फंक्शन है, ठीक है। तो ये जितने भी फंक्शन क्वेश्चन में आपको दिख रहे हैं सारे के सारे अपने साथ डिग्री या रेडियन रखेंगे। अब आप इस चीज को ढक दीजिए, अब देखिए साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, इनवर्स है, ठीक है, ये जो आंसर देता है वो आंसर देता है हमारा डिग्री या रेडियन। तो जो ये सारा डिग्री या रेडियन देगा, और ये अपने साथ डिग्री रेडियन रखा है तो यही आंसर दे देगा ना जी, यह थीटा हो जाएगा, ये भी 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 क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारा शर्त होता है, बगल में लिखने वाला होता है, उतना चीज पे ध्यान मत दीजिए, बस इसको बनाइए और वहां लॉजिक देखिएगा कि यह जो कॉस इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक है, टैन इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक है, कॉट इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक है, सेक इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक है, कॉसेक इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक है, बस इस चीज को ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन के समय भी इसमें और कुछ बताया जाएगा, लेकिन इसके जस्ट अब आगे का टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। फिर से ध्यान दीजिए, हम क्या बताने वाले थे, बताए कि ये ट्रिगोनोमेट्रिकल 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 अपने साथ डिग्री रेडियन डिग्री रेडियन डिग्री रेडियन डिग्री रेडियन डिग्री रेडियन, या इनवर्स 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 अपने साथ क्या रख रहा है, ये भी मत सोचिए, यह देता क्या है, डिग्री रेडियन। तो भाई ये भी डिग्री रेडियन रखा है, ये डिग्री रेडियन देगा ही, तो उल्टा सीधा कटता जाएगा। ये साइन है जो आपको बेसिकली जब वीडियो पढ़े होंगे प्रीवियस वीडियो में बताया गया होगा कि हम एज मैथमेटिकल टर्म इसको उल्टा कर देते हैं, नीचे साइन कर देते हैं, तो ये साइन और ये साइन कट जाएगा, थीटा बच जाएगा, वो भी समझ सकते हैं। अब आगे क्या है, अब ये जितने भी आंसर हैं, ये चीज याद रखिएगा, ये आंसर हमारा कैची में है, डिग्री या रेडियन, किसके कारण, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनवर्स है, क्या है, इनवर्स। अब आगे का जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, वो टॉपिक क्या है, अब आगे का जो टॉपिक है वो कहता है कि अब इनवर्स नहीं रहेगा, उल्टा सीधा कॉम्बिनेशन जो रहेगा अब सीधा वाला रहेगा, वो देखिए। अब हमारा जो क्वेश्चन है, साइन सीधा लेकिन इसके अंदर जो है इनवर्स, कॉस सीधा इसके अंदर इनवर्स, टैन सीधा इसके अंदर इनवर्स, कॉट सीधा इसके अंदर इनवर्स, सेक सीधा इसके अंदर इनवर्स, और कॉसेक सीधा इसके अंदर इनवर्स। अब मैं बात जो पूछूं वो बताइए, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, और त्रिकोणमितीय अनुपात है, यह जितने भी हैं सारे आंसर हम लोग को क्या देते हैं, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो आप समझिए वास्तविक संख्या दे रहा है तो कंफर्म यहां पे जो आंसर आएगा हमारा वो भी हमारा क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। अब साइन इनवर्स अपने साथ क्या रखा है, वास्तविक, कॉस इनवर्स क्या रखा है, रियल, टैन इनवर्स रियल, वास्तविक जो कहिए, वास्तविक वास्तविक वास्तविक, और ये भी वास्तविक देगा, इसका आंसर हो जाएगा x x x x x x, और ये सारे के सारे क्या होंगे, रियल नंबर। बहुत सारा यहाँ पे डोमेन इसका जिक्र किया रहेगा, उस चीज को हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाएंगे क्या रखना है। आपको पता है कि टैन इनवर्स में x की वैल्यू कहां से कहां तक रखनी है, कॉस इनवर्स में x की वैल्यू कहां से कहां तक रखनी है, साइन इनवर्स में x की वैल्यू कहां से कहां तक रखनी है, और साइन इनवर्स का x रेंज कहां से कहां तक जाएगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू जाएगा, तो वो सब चैप्टर जो आएगा वो सीधे करेंगे। अब आता है हमारा आगे का टॉपिक, इस चीज को स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा या कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, इसमें पानी कर दो सर। आगे देखिएगा, अब आगे का जो टॉपिक है,
वीडियो को आप लोग बढ़ा लीजिएगा, एडिट करके इसको उतना दूर काट दिया जाएगा। देखिएगा अब हमारा है नेगेटिव साइन इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, टैन इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। चलिए बात कीजिए, जितने भी हैं सबके सब ऋणात्मक नेगेटिव, साइन अपने साथ नेगेटिव रखता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा माइनस एंगल। ठीक है, कॉस इनवर्स नेगेटिव रख रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट पाई बटा टू से टप गया तो जो हमारा एंगल होगा पाई में से घटा दीजिएगा कॉस के नेगेटिव है एंगल को, कॉस इनवर्स एक्स। टैन जो है टैन इनवर्स नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट, याद कीजिए क्वाड्रेंट में सारा पता आ गया है, टैन यहां कॉस की वैल्यू यहां तक, साइन की वैल्यू इसमें और इसमें, ये सारा कॉम्बिनेशन आप पहले वाले वीडियो में देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा। टैन इनवर्स माइनस एक्स है जो हो जाएगा माइनस टैन इनवर्स एक्स, क्योंकि यह जो हमारा है गौर से देखिए एक्स यहाँ पॉजिटिव अगर होता है तो यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में देगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो आंसर होता है उसके आगे अगर नेगेटिव लगा दें तो कहाँ चला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। कॉट इनवर्स है तो ये कॉट इनवर्स है तो कॉट इनवर्स जो हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स है तो इसका आंसर हो जाएगा कॉसेक, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं बता रहे हैं ना, पाई पाई, और ये हो जाएगा माइनस कॉसेक में क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं बता दिया यहाँ पे। हाँ ठीक है, चलिए अब इस चीज को हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला से आपका क्वेश्चन बनेगा और इस फॉर्मूला से हम लोग अभी बहुत सारा क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन ये है, देखना स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन को, जो पिछला बार हमारा क्वेश्चन हो रहा था वो बेसिक से चल रहे थे, इससे आपको डायरेक्ट बन जाएगा और देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन। इससे हमारा पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू, इसी तरह का जो क्वेश्चन है उस तरह को हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे बगल में, साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू, कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू, टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री, कॉट इनवर्स रूट थ्री। चलिए माइनस रूट थ्री पॉजिटिव वाले को करवाना आसान है क्योंकि पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आप जानते हैं, साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू है तो माइनस साइन इनवर्स वन बाई टू हो जाएगा, यह हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स वन बाई टू, यह हो जाएगा टेन तो माइनस टेन इनवर्स रूट थ्री, और यह हो जाएगा क्या पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट थ्री। अब आप टेन इनवर्स रूट थ्री की वैल्यू जानते हैं, कॉस इनवर्स वन बाई टू की वैल्यू जानते हैं, साइन इनवर्स वन बाई टू की वैल्यू जानते हैं और कॉस इनवर्स रूट थ्री की वैल्यू जानते हैं, पुट कीजिए और गेट द आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन करिएगा, ये पूरा थ्योरी बताने के बाद जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन करवाया जाएगा, प्लस जितने भी अच्छे अच्छे बुक के क्वेश्चन है उसका भी हम सोल्यूशन करवाएंगे, उसका पूरा एक वीडियो होगा, वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। थ्योरी के बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो इसको, हाँ हम तो आंसर पूरा करवाए नहीं, साइन का वैल्यू वन बटा दो कब होता है, इधर प्रॉपरली दिख रहा है ना, साइन का वैल्यू वन बटा दो होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री बोलते हैं पाई बटा सिक्स, कॉस की वैल्यू वन बटा दो कब होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री बोलते हैं पाई बटा थ्री, तो पाई माइनस पाई बटा थ्री, तो तीन एक कितना आ जाएगा 2π/3। उस तरह से हमारा क्वेश्चन था टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री, तो इसको बोलेंगे माइनस टेन इनवर्स रूट थ्री, और टेन इनवर्स रूट थ्री की वैल्यू होती है 60 डिग्री, 60 डिग्री को बोलेंगे पाई बटा थ्री। इसी तरह से आपको क्वेश्चन बनाना है। अगर आपको लगे कि इस फॉर्मूला का यूज नहीं करना है तो पिछले जो वीडियो में मैंने लास्ट टाइम में जो क्वेश्चन करवाया था उस मेथड से भी आप डायरेक्ट बता सकते हैं आंसर, कि कॉस इनवर्स है सेकंड क्वाड्रेंट पाई में से घटा देंगे, टेन इनवर्स है थर्ड या फोर्थ या फर्स्ट, तो आप टेन का अगर नेगेटिव एंगल है तो डायरेक्ट माइनस लगा दीजिए आगे, साइन का अगर नेगेटिव एंगल है, साइन के साथ अगर नेगेटिव वैल्यू रखा है तो डायरेक्ट नेगेटिव एंगल देगा, इस तरह का कॉन्सेप्ट है। अब हमारा जो हेडिंग है अगला पूरक है, इस फॉर्मूला को भी देख लीजिएगा और प्रॉपरली याद करते चलिए, सब चीज को आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और आगे बढ़ते जाइएगा धीरे धीरे। आपको जो ये वीडियो है, ये वीडियो आपके पास परमानेंट रह सकता है, मैं कभी डिलीट नहीं करने वाला हूं, आपको जब जरूरत पड़े इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस इनवर्स पढ़ाने के बाद मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का वीडियो दिया जाएगा, उसके बाद आपको
3D और वेक्टर का वीडियो दिया जाएगा, उसके बाद सबसे लास्ट में आपका कैलकुलस चलेगा और सबसे लास्ट में आपका प्रोबेबिलिटी का वीडियो मिलेगा। लास्ट लास्ट दिसंबर तक आपका सारा कोर्स कंप्लीट। अब हमारा हेडिंग है पूरक। पूरक क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहता है कि जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाए तो दोनों एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए तो दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है, और उसके हिंदी में कहते हैं पूरक कोण। क्या कहते हैं? पूरक कोण। पूरक कोण की बात करें, फिर से देख लीजिए, पूरक कोण कहता है जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए, जब दो कोणों का योग कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो दोनों एक दूसरे का पूरक कहलाते हैं। देयरफॉर एंगल ए का पूरक कौन होगा? एंगल बी होगा। और एंगल बी का पूरक कौन होगा? एंगल ए होगा। अर्थात 30 में आप जोड़ रहे हैं 60 डिग्री, इसकी वैल्यू 90 डिग्री है, तो 30 डिग्री का पूरक 60 डिग्री होगा, 40 डिग्री का पूरक 50 डिग्री होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। ट्रिगोनोमेट्रिकल में क्लास 10th में हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसमें कभी देख लीजिएगा क्लास 10 का वीडियो, उसमें बताया जाता है, बताएंगे भी, अभी तो कोई वीडियो ऐसा है नहीं, उसमें बताएंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिकल के पूरक में इस तरह का काम करता है कि साइन का पूरक कॉस हो जाए और कॉस का पूरक क्या हो जाए, कॉस का पूरक साइन होता है, और टैन का पूरक कॉट होता है, और कॉट का पूरक क्या होता है, टैन होता है, टैन का पूरक कॉट, कॉट का पूरक टैन। अगला है हमारा सेक का पूरक कॉसेक होता है, और कॉसेक का पूरक क्या होता है, सेक होता है। अब इस चीज को समझिए, कहता है क्या कि आप जब इसकी इनवर्स में इस्तेमाल कीजिएगा तो इनवर्स में भी इसी प्रॉपर्टी को आप फॉलो कर सकते हैं, इसी प्रॉपर्टी को फॉलो कर सकते हैं। तो अगर मान लिया जाए यहां पे अगर लिखा रहे क्वेश्चन में साइन इनवर्स एक्स, और अगला क्वेश्चन रहे यहां पे लिखा रहे कॉस इनवर्स एक्स, मतलब साइन, आप इस चीज को क्या बोलिएगा और इस चीज को क्या बोलिएगा, आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल के अकॉर्डिंग सोचिएगा तो साइन थीटा में थीटा का ऐसा मान जिससे साइन थीटा का मान एक्स हो जाए, ठीक है, और कॉस अल्फा में अल्फा का ऐसा मान जो कॉस अल्फा का मान क्या कर दे, एक्स कर दे। तो आप बताइए कि कॉस की वैल्यू 1/2 कहां होती है, तो आपको पता चलेगा 1/2 की वैल्यू होती है कॉस में, 1/2 की वैल्यू होती है π/3 पे, ठीक है। यही वैल्यू आप 1/2 का चेक कीजिए साइन का, ये होता है π/6 पे, और जब दोनों को जोड़िएगा इसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री। कुछ समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? बोल क्या रहे हैं कि अगर यहाँ पे लिखा रहे साइन इनवर्स 1/2 और कॉस इनवर्स 1/2, तो इसका जो मान होगा वो हो जाएगा आपका π/6, और इसका वैल्यू हो जाएगा π/3, और दोनों का सम हो जाएगा π/2। और ये सिर्फ खास वैल्यू के लिए नहीं है, साइन इनवर्स एक्स में जितना भी इसका रेंज है और कॉस इनवर्स एक्स में जितना भी रेंज है, उस रेंज की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट होगी और दोनों इक्वल होंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2। फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स मैं लिख दे रहा हूँ 1/3 और कॉस इनवर्स लिख दे रहा हूँ 1/3, इसकी वैल्यू हो जाएगी π/2। अगला अगर मैं बोल दूं साइन इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5, इसकी वैल्यू हो जाएगी π/2। अगला मैं लिख दूं साइन इनवर्स 3/2 और प्लस कॉस इनवर्स 3/2, क्या इसकी वैल्यू π/2 होगी? नहीं, क्योंकि ये दोनों फंक्शन डिफाइन नहीं है, क्योंकि साइन कहता है मेरी वैल्यू में मेरा डोमेन जो है -1 to 1 होना चाहिए, बट दिस इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे दिस इज ग्रेटर देन 1। ये सब्जेक्ट को आपको ध्यान रखना होगा कि इसके साथ कभी भी 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं क्वेश्चन हमारा मॉडल पेपर में मिलेगा साइन इनवर्स 3 प्लस कॉस इनवर्स 3, भाई ये गलत क्वेश्चन है, क्योंकि साइन इनवर्स अपने साथ कभी भी वैल्यू ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 नहीं रख सकता है, वो -1 to 1 के बीच में ही नंबर को रखेगा और -1 और 1 को रखेगा, इसलिए कभी भी 3 और 3 रहे तो उस कॉन्सेप्ट को आप खारिज कर दीजिए, गलत है, क्योंकि यहाँ पे जब भी मान रहेगा तो -1 और 1 के बीच में रहेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, यहाँ पे अगर मान लेते हैं 1 से कोई छोटा मान m है और वो भी -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, और वही मान अगर यहाँ हो जाए तो उसका भी मान कितना हो जाएगा, π/2। अर्थात अगर ये दोनों वैल्यू बराबर है, दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है, तो पहला फॉर्मूला बोलता है π/2। आप इस कॉन्सेप्ट को देखिए, साइन का पूरक कॉस, साइन का पूरक कॉस, तो साइन के साथ है एक्स और कॉस के साथ है एक्स, तो दोनों हो जाएगा पूरक और मान हो जाएगा π/2। आपको होप आपको अच्छा लगेगा वीडियो, आप इस वीडियो को आराम से देखिए, आपके आपके पास वीडियो हमेशा रहेगा, जब नहीं समझ में आए तो मेरी बातों को 2-3 बार देखिए, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है,
नवंबर दिसंबर में आपके पास टाइम नहीं होगा, उस टाइम आप बहुत प्रेशर में रहिएगा कि मेरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है, वो सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है। तो जो सब्जेक्ट अभी कंप्लीट नहीं, उस सब्जेक्ट को अभी मैथ, मैं मान लिया जाए मैं मैथ पढ़ा रहा हूं, तो आपको एक टारगेट होना चाहिए कि अगर सर मैथ पढ़ा रहे हैं तो मैथ के जरिए जो जो टॉपिक है अगर आपको पसंद आता है तो मेरे टॉप मेरे पढ़ाए गए टॉपिक को आप उसके जरिए चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि नवंबर दिसंबर में सिर्फ और सिर्फ आपका रिवीजन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और उस समय रिवीजन का आपका जरिया हमारा वीडियो होगा, कि आप वीडियो को डेढ़ गुना दो गुना स्पीड पर ले जाइए, अदनादन आप इसको चलाते रहिए। लेकिन उस टाइम भी हम आपके लिए बहुत सारा क्वेश्चन लेके आएंगे, इनवर्स का एक स्पेशल वीडियो जिसमें सिर्फ और सिर्फ इनवर्स क्वेश्चन होगा, पूरे इनवर्स का एक ही बार में ऑपरेशन, कैसे कैसे फॉर्मूला डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कैसे कैसे बना, सारा चीज आपको दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। बस आप अपना ध्यान ट्वेल्थ बोर्ड पे लगाए रखिए और आगे की ओर सोचते रहिए, हम आपके साथ हैं, बस आपका सपोर्ट चाहिए कि आप बस पढ़ाई कीजिए, बिहार में टॉप कीजिए, आपका नाम रोशन हो, आपके माँ बाप का नाम रोशन हो। अब आगे ध्यान दीजिएगा, आगे का टॉपिक क्या है। अब ये तो समझ गए कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू जो होगी पाई बटा दो होगी। ध्यान रहे, एक्स की वैल्यू जो होगी वो ऐसा होगा, इससे नहीं होना चाहिए, ये नम होना जरूरी है बगल में कि एक्स की वैल्यू कभी भी आपको माइनस वन से छोटा और वन से बड़ा नहीं होना चाहिए, आपको एकदम कंफर्म इसके बीच की वैल्यू होना चाहिए। और ये हमारा पहला फॉर्मूला बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। अब आगे हमारा है टैन का पूरा कॉट, तो कहता है कि अगर मेरे साथ एम रख रहे हो तो कॉट के साथ भी अगर एम दिखा तो मेरी वैल्यू हो जाएगी पाई बाई दो। ये अगर नहीं समझ में आए तो आप एग्जाम्पल में बना सकते हैं कि टैन इनवर्स रूट थ्री और प्लस कॉस इनवर्स रूट थ्री। आपको पता है कि टैन का मान रूट थ्री कब होता है 60 डिग्री पर, और कॉट का मान रूट थ्री कब होता है तो 30 डिग्री पर, दोनों जुड़ के कितना हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री को कितना कहते हैं पाई बाय दो। आप इस प्रोसेस को भी यूज कर सकते हैं। तो आप इसमें क्या है कि इसमें क्या होता है, क्वेश्चन में आ गया इसमें क्या देखा, तो कहता है एम कहता है भैया हम तो भाई दुनिया का सबसे अजूबा आदमी, हमारा कुछ पुट कर दो, एम का वैल्यू क्या कर दो, कुछ भी पुट कर दो, जैसे टैन इनवर्स यहाँ पे लिख दिया जाए 10, यहाँ लिख दिया जाए कॉट इनवर्स 10, दोनों मिला बराबर वैल्यू हो गया पाई बटा दो। अगला मिलेगा टैन इनवर्स आम, आम हमारे को एक संख्या है, कॉट इनवर्स आम तो वैल्यू हो जाएगा पाई बटा दो। बस याद रहे आम यहाँ फ्रूट नहीं, आम एक संख्या है। अगला मिलेगा टैन इनवर्स एन, यहाँ मिलेगा कॉट इनवर्स एन, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई बटा दो। याद रहे कि एन हमारा क्या है, संख्या है। बस अर्थे आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो फंक्शन है कैसे काम करता है, दोनों इक्वल होना चाहिए, टैन के साथ अगर 20 आ रहा है और कॉट इनवर्स के साथ भी 20 आ रहा है और टैन इनवर्स के साथ भी 20 आ जाए तो उसकी मान आप पाई बटा दो कर दीजिएगा, दोनों पूरक है। आप एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, जो पहला एग्जांपल है आपका किधर गया किधर गया किधर गया, वो 30 डिग्री वाला, अच्छा मिटा दिए थोड़ा देर पहले, यहाँ पे लिखे थे 30 डिग्री और 60 डिग्री का कंडीशन, टैन रूट थ्री टैन इनवर्स रूट थ्री प्लस कॉट इनवर्स रूट थ्री इक्वल टू पाई बाय टू। आप अकॉर्डिंग टू टैन द वैल्यू ऑफ टैन इनवर्स रूट थ्री इक्वल टू होता है पाई बाय सिक्स पाई बाय थ्री, और कॉट इनवर्स रूट थ्री इक्वल टू होता है पाई बटा सिक्स, पाई बाय थ्री प्लस पाई बाय सिक्स इक्वल टू 90 डिग्री, आप उसमें भी काम कर सकते हैं। अब आगे देखिएगा, फिर अगर अगला हम टॉपिक पे बात करें, हाँ एक चीज याद रखिए, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछेगा कि टैन इनवर्स 1/2 है और कॉट इनवर्स 1/2 है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बटा दो हो जाएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बटा दो हो जाएगा। चलिए अब आगे का क्वेश्चन, आगे का जो टॉपिक है हमारा आज पूरा फॉर्मुलेटिव है, जितना फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सारा डिस्कशन कर दूंगा आज। फॉर्मूला आज का क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉपी के ऊपर जाइए और सारे को एक जगह रिलेट कीजिए, हम रिलेट करना सिखाएंगे सारे फॉर्मूला को कैसे कैसे किया गया है। अब आया सबसे इंपॉर्टेंट, आप ऐसे तो इसका वैल्यू पाई बटा दो ही होता है, लेकिन आप पे हम छोड़ दे रहे हैं, अगले वीडियो में इसके बताएंगे कि इसमें वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए। आपका जो क्वेश्चन है कि ये सेक इनवर्स यहां पे अगर लिख दिए एक्स और यहां लिख दिए कॉसेक इनवर्स एक्स, दोनों एक दूसरे का पूरक है, सेक का पूरक कॉसेक, सेक के साथ एक्स तो कॉसेक के साथ एक्स, इसकी वैल्यू पाई बटा दो। द वैल्यू ऑफ एक्स हाउ मच, कितना से कितना होना चाहिए, यानी एक्स की वैल्यू आपको पता करना है। आप छोड़िए ये मत बताइए, आप लोग आप सीधे ये बताइए कि एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक नहीं होगी, बस आप लोगों को बताना है कि एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक नहीं होगी, तब यह मान ऐसा होगा। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया जाता है क्योंकि आपको बताया गया है पहले, हम पहला क्लास का वीडियो में जिक्र किए थे कि कॉसेक और सेक की वैल्यू यहां से यहां तक नहीं होती है, वही कॉन्सेप्ट इसमें भी फॉलो करना है। आगे का चीज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं क्या, अब उल्टा और सीधा का एक और कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। उल्टा सीधा था, हाँ उल्टा सीधा, अब उल्टा सीधा छोड़, अब आगे का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। आगे का कॉन्सेप्ट हमारा क्या है,
अब हमारा है ट्रिगोनोमेट्रिकल का उल्टा, हम लोग जोड़ घटाव का उल्टा नहीं कर रहे, इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल का कंडीशन नहीं बता रहे, सीधे ट्रिगोनोमेट्रिकल का उल्टा कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। वो क्या है हमारा, वो है उल्टा सीधा का कंडीशन। तो आप उल्टा कंडीशन यानी व्युत्क्रम, व्युत्क्रम कहने का मतलब होता है, देखिए मैं प्रॉपरली ज्यादातर बोर्ड तरफ फेस रखता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेरा फेस दिखेगा तभी आपको समझ में आएगा, बल्कि हम जब बातें को बोल रहे हैं, बात जब बोल रहे हैं जो बोर्ड पे लिख रहे हैं वो कॉम्बिनेशन को देखिए, आपको वीडियो ज्यादा समझ में आएगा। तो आगे का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक को देखिएगा कि टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक है उल्टा, उल्टा टॉपिक द मतलब उल्टा ऐसे व्युत्क्रम, व्युत्क्रम बोले तो इन्वर्टेबल, और इन्वर्टेबल बोले तो द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर इज वन, देन बोथ नंबर्स आर कॉल्ड टू ईच अदर इन्वर्टेबल, व्युत्क्रम, अर्थात जब दो संख्याओं का गुणनफल एक हो जाए तो दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम कहलाता है। इस टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि टेंथ क्लास में ये व्युत्क्रम वाला टैपक चला चैप्टर चला था कि साइन का जो उल्टा होता है, साइन का उल्टा जो होता है वो कॉसेक होता है, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है, और कॉसेक का उल्टा हमारा क्या होता है साइन होता है, इस कॉन्सेप्ट को ही चलना है। तो कहता है यहाँ पे लिखा रहेगा साइन इनवर्स एक्स, क्या लिख दिया साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स का उल्टा कॉसेक, तो एक्स का उल्टा वन बटा एक्स, पहला फॉर्मूला। दूसरा देखिएगा कॉस एक इनवर्स एक्स, यहाँ पे लिख देता हूं साइन का उल्टा कॉस एक, और कॉस एक का उल्टा साइन, टेन का उल्टा कॉट, और कॉट का उल्टा टेन, सेक का उल्टा कॉस, और कॉस का उल्टा सेक। अब लिखे कॉस एक इनवर्स एक्स, कॉस एक का उल्टा होता है साइन, तो कॉस एक इनवर्स का भी उल्टा क्या होगा साइन इनवर्स, ठीक है। x का उल्टा होता है 1 बटा x, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, x और 1 बटा x को मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा 1, और जब दो संख्याओं का प्रोडक्ट 1 हो जाए तो दोनों एक दूसरे का इन्वर्टेबल कहलाता है। यहां भी देखिए sin इनवर्स का उल्टा cosec इनवर्स, x गुना 1 बटा x = 1। आगे देखिएगा अगला हमारा है tan इनवर्स x, लिख दिया मैं तो tan का उल्टा होता है cot, तो tan इनवर्स का उल्टा हो जाएगा cot इनवर्स, और x का उल्टा हो जाएगा 1/x। अगला हमारा है cot इनवर्स x, तो cot का उल्टा होता है tan, और cot इनवर्स का उल्टा होता है tan इनवर्स, x का उल्टा होता है 1/x। आगे का जो चैप्टर है sin cos tan cot चल गया, बच गया मेरा सबसे इंपॉर्टेंट cos, दुलारा जी cos इनवर्स, तो cos इनवर्स जब बात करेंगे तो cos इनवर्स का उल्टा कितना होता है आप बताइए, cos इनवर्स का उल्टा होता है sec इनवर्स, ठीक है। अब cos इनवर्स यहां पे लिख दूं मैं x, तो इसका कितना हो जाएगा 1/x। अगला यहां पे लिख दूं sec इनवर्स x, तो sec का उल्टा होता है cos इनवर्स, x का उल्टा क्या होता है 1/x। अब हमारा टॉपिक आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को इस मेथड से आसान कर देगा। कभी कभी हमारा क्वेश्चन रहता है जैसे यहाँ पे दे दिया जाए साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉसेक, नहीं और क्या दे, हाँ इसको बोल रहा है डायरेक्टली, आप क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली लिख दीजिएगा साइन का उल्टा कॉसेक और 1/2 का उल्टा 2, आपको क्वेश्चन बनाने में काम देगा। क्वेश्चन अब पूछ रहा है कि कॉसेक इनवर्स 2 का मान बताइए कितना होता है, तो आपको नहीं पता चलेगा कॉसेक इनवर्स 2 का मान, तो कॉस एक इनवर्स 2 का जब मान पूछेगा अगर पता नहीं चले तो सीधे अप्लाई कीजिएगा कॉसेक का उल्टा साइन इनवर्स 2 का उल्टा 1/2 और 1/2 30 डिग्री पर, आंसर हो जाएगा π/6, कंफ्यूजन होता है π/3 π/6 को लेकर, आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगला कहता है sec इनवर्स 2/√3 की वैल्यू क्या होगी, आपको नहीं समझ में आ रहा है, sec का उल्टा हो जाएगा आपका cos इनवर्स, और 2/√3 का हो जाएगा √3/2, और √3/2 होता है 30 डिग्री पर, 30 का मान होता है π/6, आंसर। इस तरह से कॉन्सेप्ट आपको आसान पड़ जाएगा, आपको ज्यादा जन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मात्र 3 कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा साइन कॉस और टेन, बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उस तरह को बारीकी से समझते जाइएगा। आगे जो हमारा टॉपिक है, इतना होने के बाद आगे जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा इसके बाद कौन सा फॉर्मूला होगा, अब तो देखना पड़ जाएगा, चलो देखता हूं आगे का फॉर्मूला, चलिए बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला टॉपिक्स इनवर्स से उसके बारे में जिक्र करें।
जिक्र है हमारा टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का फॉर्मूला। आप कुछ मत कीजिए, डायरेक्टली आपको याद करना होगा टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टैन ए प्लस टैन बी है वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी। आप बताइए रियल 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 रियल, आप उसी कॉम्बिनेशन को यहां भी कर सकते हैं, टैन इनवर्स है तो ये हमारा क्या होगा, कैसा वैल्यू होगा, रियल वैल्यू, रियल वैल्यू, इधर भी हमारा रियल होना चाहिए तो रियल के लिए हम पहले ही टैन इनवर्स लगा दिए ताकि जो भी वैल्यू रखे वो, सॉरी ये हमारा डिग्री रेडियन, ये भी हमारा डिग्री रेडियन, इधर भी हमारा क्या होना चाहिए डिग्री रेडियन। अब डिग्री रेडियन होने के लिए इधर भी हम ऐसा चीज लगा दिए हैं कि अब जो भी मान होगा डिग्री रेडियन में होगा, टेन ए प्लस टेन बी तो एक्स प्लस वाई, वन माइनस टेन ए गुना टेन बी तो वन माइनस एक्स गुना वाई, बस ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देखिएगा। अगला कहता है ए प्लस बी का फॉर्मूला ये है, तो ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला भी इस ढंग से कीजिएगा, अर्थात प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, नीचे अगर माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो अगला क्वेश्चन हमारा बनता है टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बनता है, टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा वन प्लस एक्स वाई। अब लिखते हैं इफ टैन इनवर्स एक्स इजकल टू टैन इनवर्स क्या हो जाए वाई हो जाए तब फॉर्मूला क्या होगा, तो टैन इनवर्स एक्स और टैन इनवर्स वाई हो जाए तो ये हो जाएगा टू टैन इनवर्स, इसको हम मान लेते हैं लेट बराबर लेट मान लेते हैं टैन इनवर्स ए, क्या मान लेते हैं टैन इनवर्स ए, तो ये भी टैन इनवर्स एक्स, ए भी टैन इनवर्स वाई, तो ये टैन इनवर्स एक्स को लिख दिए टैन इनवर्स ए और इस टैन इनवर्स वाई को लिख दिए टैन इनवर्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो टैन इनवर्स ए टैन इनवर्स ए दो टैन इनवर्स ए, तो ये हो जाएगा दो टैन इनवर्स ए। अब क्या है कि आप जो है टैन इनवर्स एक्स बराबर अगर टैन इनवर्स वाई कर रहे हैं तो कंफर्म एक्स इक्वल टू क्या होगा वाई होगा। देखिए ध्यान रखिए टैन इनवर्स एक्स और टैन इनवर्स वाई अगर बराबर हो जाए तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा टू टैन इनवर्स इक्वल टू एक्स के जगह वाई पुट कीजिएगा, एक्स के जगह ए और वाई के भी जगह ए और वन माइनस ए इंटू ए और आगे हो जाएगा आपका टैन इनवर्स, आगे हो जाएगा टैन इनवर्स ए। इसलिए हमारा फॉर्मूला बन गया टू टैन इनवर्स ए बराबर टेन इनवर्स टू ए बटा वन माइनस ए स्क्वायर, या कहीं कहीं आपको ए न मिल के एक्स मिलेगा तो टू टेन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स टू एक्स बटा वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए अब इस फॉर्मूला को कितना बना सकते हैं, फॉर्मूला इतना आपको तो बस ये इंपॉर्टेंट है, अब इस फॉर्मूला से देखिए क्या क्या बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बच्चा कहता है कि आप कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स बाई की फॉर्मूला बताइए, जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपके पास थोड़ा सा माइंड कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा पहले बताया है, कॉट का उल्टा टेन, एक्स का उल्टा वन बटा एक्स, कॉट का उल्टा टेन, बाई का उल्टा वन बटा बाई, बस जोड़ दीजिए काम हो जाएगा खत्म। टेन टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी आप फॉर्मूला पर लागू कर सकते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स वन बटा एक्स प्लस वन बटा बाई और वन माइनस वन बटा एक्स इंटू वन बटा बाई, ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऊपर एलसीएम एक्स वाई हो जाएगा तो हो जाएगा बाई प्लस एक्स और नीचे भी एलसीएम एक्स वाई हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स वाई माइनस वन, एक्स वाई खत्म, ये बन जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई बटा एक्स वाई माइनस वन। अब देखिए टेन का उल्टा क्या होता है, दिख रहा है नीचे कॉट इनवर्स, इसका उल्टा कितना हो जाएगा एक्स वाई माइनस वन बटा एक्स प्लस बाई, बन गया फॉर्मूला। फॉर्मूला बनाना कोई बड़ा चीज नहीं होता है, फॉर्मूला बस एक फॉर्मूला रिलेट करते जाइए, थोड़ा फास्ट लगे तो आपका मोशन दिया हुआ स्पीड करके भी देख सकते हैं, सॉरी मोशन को स्लो करके देख सकते हैं, नहीं तो बारीकी से सिर्फ सुनते जाइए, ठीक है। आप ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस इस फॉर्मूला पे मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए कि फॉर्मूला बना कैसे है। तो आप जानते हैं कि कॉट का उल्टा टेन होता है, कॉट का उल्टा टेन होता है, एक्स का उल्टा वन बटा एक्स होता है, वाई का उल्टा वन बटा होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स ए प्लस बी, जो भी हो एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स वाई होता है, उस फॉर्मूला का आप उपयोग कर सकते हैं। आगे का जो टॉपिक है उस पर ध्यान दीजिए, आगे का टॉपिक क्या है, ये फॉर्मूला कितना खतरनाक है इसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं, ये फॉर्मूला कितना खतरनाक है इसके बारे में जिक्र कर रहा हूं, बस चुटकी में याद हो जाएगा बाकी सारा फॉर्मूला। देखिए अब ये इंपॉर्टेंट चीज को आप मिटा दिए, अब यहां से इसको खत्म इसको खत्म इसको खत्म सबको खत्म कर दिया, मैं आपका इनवर्स का पूरा फॉर्मुलेटिव खत्म कर दिया जा रहा है, जितना पढ़ना है पढ़ते जाइए और उसके बाद क्वेश्चन का करवाएंगे और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए।
चलिए आगे क्या है कि अभी अभी हम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या देखें, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या देखें वो देखिएगा, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। आप देखिए इधर सब देखो, 2 tan इनवर्स tan इनवर्स आया, अब कहता है यहां sin इनवर्स लिखिए और यहां cos इनवर्स लिखिए। अब हम जो बोलेंगे वो ध्यान दीजिए, फॉर्मूला को कैसे बनाएंगे तुरंत चुटकी में, आप बस दिमाग लगाइए, उल्टा है अगर इसको सीधा करेंगे तो ये लंब कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, आधार, यह इनवर्स है, इसको टैन के रूप में अगर इंक्रीज किया जाए देखा जाए तो यह ऊपर वाला लंब और नीचे वाला क्या कहलाता है, आधार। तो साइन के साथ लंब और कॉस के साथ आधार, और साइन के साथ कर्ण रहता है, कॉस के साथ भी क्या रहता है कर्ण, और कर्ण लंब और आधार से बड़ा रहता है, इसलिए समय परस्त कर दीजिए, फॉर्मूला आपका बन गया, फॉर्मूला आपका बन गया, कॉस इनवर्स और यहां पे साइन इनवर्स, टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। फिर से देख लीजिए इस वीडियो को, थोड़ा बैक करके फिर से देख लीजिएगा क्या कि ये टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स को अगर सीधा ग्रुप में देखेंगे तो टेन थीटा, और टेन थीटा में ऊपर वाला कहलाता है लंब, नीचे वाला क्या कहलाता है आधार, यहां मैंने साइन इनवर्स लगाया, यहां मैंने कॉस इनवर्स लगाया, ठीक है। तो जब साइन इनवर्स लगाया तो साइन के साथ लंब रहता है और कॉस के साथ क्या रहता है आधार, तो लंब को रख लिया ये और आधार को रख लिया ये। अब क्या होता है कि जो हमारा नीचे में होता है वो कर्ण कहलाता है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज द बिगेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, सो 2x से भी बड़ा होना चाहिए और 1 माइनस x स्क्वायर से भी बड़ा होना चाहिए, आप कैलकुलेट करके भी निकालिएगा तो 1 प्लस x स्क्वायर आएगा, और इस तरह से आपका 2 tan इनवर्स x का तीन फॉर्मूला आया, एक आया tan में, एक आया sin में, और दूसरा आया 2 tan इनवर्स x का जो है तीन फॉर्मूला आया tan में, sin में, cos में, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो गया, अब आएगा साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला, वो भी इंपॉर्टेंट है तो उसके बारे में भी जिक्र करते हैं। ये टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए, फिर से देख लीजिए, फिर से क्या वीडियो में देख लीजिएगा बैक करके, एक ही चीज को बार बार पढ़ाने से अच्छा है कि आप वीडियो में जाकर देखते जाइए। आगे का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है, वो हमारा टॉपिक है साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी बराबर क्या होगा, आप बस साइन ए प्लस बी की फॉर्मूला बताइए। इसकी फॉर्मूला होता है साइन साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब इसका एक ट्रिग्नोमेट्री का जब भी वीडियो बनाऊंगा बताऊंगा इस फॉर्मूला को कैसे याद करते हैं, साइन को हम लोग कमजोर मान लेते हैं और कॉस को मजबूत मान लेते हैं, उस कॉन्सेप्ट का यूज करके इसको हम बारीकी से समझ सकते हैं। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इसी तरह से आप बनाइएगा साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी बराबर, यहां लिखिएगा साइन इनवर्स, ठीक है, यह साइन ए है तो इसको लिख दीजिएगा ए, और यह कॉस बी है और कॉस बी को आप लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर बी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो यह लिखा है रूट अंडर वन माइनस बी स्क्वायर, और कॉस ए को लिख सकते हैं रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको लिखेगा रूट अंडर वन माइनस ए स्क्वायर, और साइन बी को लिख दीजिएगा बी। तो आपका फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी बराबर साइन इनवर्स ए ए रूट अंडर वन माइनस बी स्क्वायर प्लस बी रूट अंडर वन माइनस ए स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस रहेगा, तो यहाँ माइनस लगा दीजिएगा, इट मीन्स इस फॉर्मूला को हम अलग ही लिख देते हैं, साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी रहेगा, तो साइन इनवर्स ए रूट अंडर वन माइनस बी स्क्वायर माइनस बी रूट अंडर वन माइनस ए स्क्वायर कर दीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स, सॉरी इस पे भी हमारा फॉर्मूला बनेगा, उसको भी हम कर लेते हैं। अब कहता है कि यदि ए इक्वल टू बी हो जाए, साइन इनवर्स ए इक्वल टू क्या हो जाए, साइन इनवर्स बी हो जाए, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स ए बराबर, अगर साइन इनवर्स बी हो जाए और उसका नाम दे दें हम लोग साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ये भी क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, दोनों फॉर्मूला को ये है, एक फॉर्मूला यहाँ आया और दूसरा फॉर्मूला यहाँ आया, आप इस वीडियो को आराम से देखिए, कॉपी पे नोट कीजिए, तो ये दोनों अगर बराबर हो जाए तो ये दोनों बराबर हो जाएगा तो वैल्यू तो जीरो हो जाएगा, इस फॉर्मूला पर तो बैठेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ कहाँ बैठेगा, इस फॉर्मूला पे बैठेगा। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का बताया है क्या वीडियो में, देख लीजिएगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का, अगर नहीं बताया होंगे तो कुछ कोई बड़ा चीज नहीं है, जहां पे प्लस वाला प्लस में रहता था माइनस प्लस की जगह माइनस कीजिएगा, माइनस की जगह प्लस कर दीजिएगा। अब इसी तरह से देखिए, अगर यहाँ पे मान लिया x पुट करें, यहाँ भी x पुट करें तो जीरो हो जाएगा, तो इस फॉर्मूला को तो हम लोग नहीं बना सकते हैं इस फॉर्म में,
तो अर्थात ये फॉर्मूला सिर्फ अलग अलग टर्मों के लिए है, अगर दोनों बराबर हो जाए तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ फॉर्मूला बनेगा और यह कहलाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए ठीक, यहाँ कहलाएगा साइन इनवर्स ए और साइन इनवर्स बी बराबर है तो साइन इनवर्स कट जाएगा, तो ए और बी भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो ए की जगह हम लोग एक्स लिखेंगे और बी के भी जगह क्या लिखेंगे एक्स, ए की जगह एक्स लिखेंगे और बी के भी जगह क्या लिखेंगे एक्स लिखेंगे, तो आपको क्या मिला साइन इनवर्स एक्स दो साइन इनवर्स एक्स, तो दो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला मिला साइन इनवर्स ये हमारा दो है, देखिए इसको अगर आम कह रहे हो तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा आम, तो आम आम कितना आम दो आम, तो रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे हमारा कॉस वाला फॉर्मूला आएगा, कॉस वाला फॉर्मूला के बाद थ्री टेन इनवर्स ए का फॉर्मूला पढ़ लेंगे, उसके बाद हमारा एक खत्म हो जाएगा, थ्री टेन इनवर्स ए का फॉर्मूला भी नहीं बताऊंगा, इतना कॉन्सेप्ट करने के बाद कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कितना मिनट का वीडियो होगा टोटल बताइए, 41 चार मिनट का और वीडियो दूंगा, ज्यादा एमबी फिर होने लगता है, वेट कीजिए कल, कल वीडियो मिलेगा, ज्यादा एमबी आप लोग को भी जरूरत नहीं है, कल क्वेश्चन करवाया जाएगा कल वाला वीडियो में, और हो सकता है वो डेढ़ से दो घंटा या तीन घंटा करवा दें। चलिए ध्यान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई हुआ है, कोई गप सब कुछ नहीं, हम सिर्फ बोर्ड की तरफ ही फेस किए हुए थे, आपसे तो फेस दिखा नहीं रहे थे कि ओमकार वर्मा का चेहरा कैसा है। इधर देखिए अगला हमारा है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप लिखिए सीधे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, आप दोनों को कॉस ए इंटू कॉस बी में रखिएगा, इसको कहिएगा रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर ए और रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर बी, अब लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स गुना बाई माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर वन माइनस बाई स्क्वायर, यहां प्लस था तो यहां माइनस, तो यहां अगर माइनस रहेगा तो यहां हो जाएगा प्लस प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस बाई स्क्वायर, अभी दोनों बराबर हो जाएगा और दोनों बराबर हो जाए ए के, दोनों किसके बराबर हो जाए ए के, यानी कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स बाई बराबर हो जाए, और इसको हम लोग बोल दें कॉस इनवर्स ए, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस इनवर्स ए और ये भी हो जाएगा कॉस इनवर्स ए, तो बन जाएगा टू कॉस इनवर्स ए, कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए टू कॉस इनवर्स ए, अब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो एक्स और बाई किसके बराबर हो जाएगा ए के, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस इनवर्स ए गुना ए बराबर ए स्क्वायर माइनस वन माइनस ए स्क्वायर वन माइनस ए स्क्वायर रूट अंडर वन माइनस ए स्क्वायर इंटू रूट अंडर वन माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा टू कॉस इनवर्स ए बराबर कॉस इनवर्स रूट रूट कैंसिल हो जाएगा दोनों सेम है तो माइनस, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो टू ए स्क्वायर माइनस वन, यही हमारा फॉर्मूला है। इस तरह से आप बेसिकली लगभग सारे फॉर्मूला को आप पढ़ लिए हैं, अगर कुछ ऐसा छूट जाए तो मैं आपके इस वीडियो बनाने के बाद कुछ कुछ देखूंगा कि मैंने क्या छोड़ा है और क्या नहीं छोड़ा है, उसके बाद मैं आगे का जितना भी क्वेश्चन है कल क्वेश्चन करवाया जाएगा, प्लस थ्री टेन इनवर्स एक्स का करवाया जाएगा, डोमेन का क्वेश्चन करवाएंगे, रेंज में आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी हो जाए अगर साइन का रेंज बोल रहा है, साइन थीटा का रेंज बोल रहा है माइनस वन टू वन, तो साइन थ्री एक्स का भी रेंज माइनस वन टू वन होगा, मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल की बात कर रहा हूँ, इनवर्स की बात करूंगा, साइन इनवर्स एक्स का रेंज है माइनस पाई बटा दो से पाई बटा दो, तो साइन इनवर्स फोर एक्स का भी रेंज माइनस पाई बटा दो से पाई बटा दो होगा, साइन इनवर्स थ्री एक्स प्लस दो का भी रेंज माइनस पाई बटा दो से पाई बटा दो होगा, तो ये सारा चीज आपको अगले क्लास में मिलेगा, थोड़ा बड़ा वीडियो होगा, क्वालिटी कम करके आपको पास पहुंचा दिया जाएगा। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, गुड नाइट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बोर्ड की तैयारी कीजिए, माँ बाप का भरोसा मत तोड़िए और आगे बढ़ते रहिए, चलिए धन्यवाद।